दुल्हन ने भगवान से कहा, हे द्वारकाधीश, हे केशव, आप यहां पधारे हो, आपका आने का कारण क्या है, प्रयोजन क्या है, अभी ये बताइए। आपका स्वागत तो हम सब ने कर लिया, किस कारण आप यहां आए हो? भगवान ने कहा, देखो दुर्योधन, मैं कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता, बस इतना कहूंगा तुमने जो किया तुम्हारे हिसाब से सही होगा, लेकिन ये पांडव ये भी तो तुम्हारे भाई हैं। तुम्हारे भाई होने के नाते ज्यादा नहीं, मात्र 5 गांव दे देना। दुर्योधन ने जैसे सुना तो दुर्योधन कहने लगा, मैं क्यों दूंगा, 5 गांव तो क्या एक सुई के नोक के बराबर के जमीन जितना होता है ना, वो भी मैं युद्ध के बिना नहीं देने वाला। अब दुर्योधन ने ऐसा बोल दिया, भगवान ने कहा, अच्छा तुम्हें युद्ध चाहिए, युद्ध करना है तो कोई बात नहीं, मंजूर है, हम भी युद्ध करने के लिए तैयार हैं। अब दुर्योधन ने नहीं दिया, भगवान ने युद्ध करने के लिए कह दिया, अब महाभारत होगी। फिर उसके बाद भगवान ने कहा, दुर्योधन अब मैं ज्यादा यहां नहीं रुकूंगा, मुझे चलना चाहिए, आदेश दो। भगवान ने जैसे कहा, दुर्योधन कहने लगा, अरे कृष्णा अभी तो आए हो, क्या करना, बैठो भोजन करो, मेरी माता ने तुम्हारे लिए 56 भोग 84 व्यंजन बनाया है। भगवान ने कहा, देखो दुर्योधन मुझे भोजन नहीं करना। फिर दुर्योधन कहने लगा, क्यों, तुम्हारे लिए बनाया है तो खाके जाओ। भगवान ने कहा, मुझे विदुर जी के घर में भोजन करना है। जैसे सुन लिया तो दुर्योधन कहने लगा, अरे वहां क्या है, वहां तो विदुर जी का एक छोटा सा झोपड़ी है, खाने के लिए कुछ अन्न नहीं है, तो क्यों वहां जा रहे हो, तुम यहीं पर भोजन कर लो। तो भगवान कहते हैं, देखो दुर्योधन भोजन तो मैं करूंगा, तब करता जब तुम्हारे मन में प्रेम होता। देखिए, हम किसी के घर में भोजन करने गए, न उसके मन में प्रेम हो, बिना प्रेम के भोजन परोसता है तो वहां पर स्वाद नहीं होता। इसलिए भगवान ने साफ कह दिया, तुम्हारे मन में प्रेम नहीं है तो मैं भोजन नहीं करूंगा। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।